मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग अंत तक दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाई टीवी वाले टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा पीछे कार्यकर्ता दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए। आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, भाई बुमा बुम मत करो, बैठ जाएंगे सब लोग। राजस्थान की संगठन की प्रभारी बहन विजया राहतकर जी, जोधपुर क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बाड़मेर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान कैलाश चौधरी जी, पाली क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी एडवोकेट पीपी चौधरी जी, जालोर सिरोही के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भाई लुम्बाराम चौधरी जी, जोर से ताली बजाइए लुम्बाराम जी के लिए। हमारे राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र गहलोत जी, मदन राठौर जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मंच पर उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और आज इन चारों लोकसभा क्षेत्र से कोने कोने से इतनी गर्मी में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे शक्ति केंद्र अध्यक्ष भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की जनता को अपना मत प्रकट करना है और आप सभी को राजस्थान की जनता के पास गांव गांव में, धाणी धाणी में, घर घर में नरेंद्र मोदी का महान भारत की रचना का संदेश लेकर जाना है। उस वक्त मैं राजस्थान की इस वीर भूमि पर आया हूं, उस वक्त मैं राजस्थान की इस भूमि को प्रणाम कर यही क्षेत्र के राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और कई प्रतापी वीर पुरुषों को प्रणाम करता हूं और उनका स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में जहां त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होती है, मेरे राजस्थान का नाम सबसे पहले लेने का काम यहां पर ही इसी भूमि में पन्ना धाई पैदा हो सकती है और इसी भूमि का पानी है जो महाराणा प्रताप को पूरा जीवन मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। इस भूमि ने हमेशा देश को, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धा देने का काम किया है। वो सभी वीर माताओं को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बार
हमने इस लोकसभा चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये लक्ष्य की पूर्ति कोई नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का और देश का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इससे समग्र देश की जनता तैयार बैठी है मोदी जी को तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मगर वो जनता के पास जाकर उसको मतदान मथक तक ले जाने का काम आप सभी ने करना है। अभी चारों सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ मेरी मीटिंग हुई है और डिटेल कार्य योजना आप लोगों के लिए बनाई है। और मैं खुद कह देता हूं कि कार्य योजना थोड़ी कठिन है, मगर कठिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कठिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठिन काम ही सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस कार्य योजना को मतदाता सूची के पन्ने पन्ने तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर बूथ तक आपको नीचे पहुंचाना है, हर शक्ति केंद्र तक आपको नीचे पहुंचाना है और मोदी जी के संदेश को लेकर जाना है। मित्रों, 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी और देश के भविष्य को अंधकार करकर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 80 करोड़ लोग आज मोदी जी को मन से दुआएं देते हैं, वो मोदी जी की फौज बनकर, सेना बनकर कांग्रेस पे कहर बरपाने के लिए तैयार खड़े। आपका दायित्व है, मेरा दायित्व है कि 80 करोड़ लोगों को घर पे जाकर ये सारी चीजें बताकर उसको मतदान मथक तक लाने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे, ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था।
मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा आप भी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दस ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भारत को दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए, हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है, और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे, कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती, मुझे बताओ भाई और बहनों, एक कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे, कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलला की जन्मभूमि को इसके केस का निपटारा भी किया,
भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी नरेंद्र। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कभी ये नहीं करती थी। हमने 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली, हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम किया और अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में बम धमाका कर सके, ऐसा सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है, मेरे गौरवमंते कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है, किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडीय गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावे किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे, गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कह कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। राहुल बाबा, आपकी नानी ने
इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, ये तुष्टिकरण करने वाले लोग पांच साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ। कन्हैया लाल को मार दिया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है, न्याय सबके साथ होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। और राजस्थान इसी रास्ते पर चलने वाला है। मित्रों, ये लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग एक और एक 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला, उनको मालूम नहीं है 0+0=0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। हमने पेपर लीक के लिए वादा किया, सब लोग हंस रहे थे। जब हमारे नेताओं ने ERCP का वादा किया, कहां से लाएंगे, गहलोत जी पूछ रहे थे। गहलोत जी, भजन लाल तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 ही महीने में ERCP को जमीन पर उतारने का काम कर दिया। जमुना का पानी, यमुना जी का पानी राजस्थान के 3 जिलों में लाना असंभव जैसा काम था। मोदी जी के आशीर्वाद से भजन लाल ने इसको भी पूरा कर दिया। और भाइयों और बहनों, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भजन लाल जी ने पूरा कर दिया। और SIT बनाकर सबको जेल में डालने का काम भी भजन लाल जी ने पूरा कर दिया। भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब आप जनता के साथ जाइए तब हिसाब लेकर जाइएगा। 10 साल UPA को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले, जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले। और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया, सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया, जोर से बोलो, याद रखना है, कितना। और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा, 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8,00,000 करोड़ हुआ। 2,00,000 करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है। हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। भाई और बहनों, ये 8,00,000 करोड़ के अलावे राजस्थान के गरीबों को, 80,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि, 32,00,000 गरीबों के घर में जल से नल, नल से जल, 1,10,00,000 लोगों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, शौचालय, 4,38,00,000 लोगों को मुफ्त अनाज, 71,00,000 माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन, और अब 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, और 19,00,000 लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अरे राजस्थान
वीर भूमि है। सेना में यहां से हर घर से इस क्षेत्र से लोग जाते हैं, युवा जाते हैं। मोदी जी ने 40 साल से सेना के जवानों की मांग थी वन रैंक वन पेंशन देने की, मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन को समाप्त कर दिया। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताने आया हूं, माताओं को बहनों को 33% आरक्षण देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी, कभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी ने माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी समाप्त कर दिया। मित्रों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण कर हमारे मान बिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी ओर पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23 साल हो गए मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते, एक आने का भी करप्शन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है। मित्रों, दूसरी ओर प्रामाणिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। मैं अंत में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, चुनाव तक 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर गांव गांव दाणी दाणी घर घर जाइए। नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए और राजस्थान की 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाई और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दाणी दाणी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।